देखना सदा व्लॉग को जो सब्सक्राइब भी करें और क्या बोलना होता है यार ये लड़का बहुत टैलेंटेड है और उसकी वीडियोस में देखता रहता हूँ डू फॉलो हिम सब्सक्राइब हिज चैनल लाइक करें शेयर करें अनस गुड लक अनस और रजा व्लॉग जो है बहुत कमाल का काम कर रहे हैं हर जगह आके कवरेज दे रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रहा है काम आप भी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल के आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले इनके व्लॉग आपके पास आ जाए थैंक यू सर और हमारे घर से बहुत दूर है इसलिए बहुत टाइम लग गया जाने में पेपर भी चल लेते हैं तो आज जो है हम लोग जाएंगे JDDC को विजिट करने देखेंगे क्या सीन है और अगर चांस लगा तो जफर अब्बास से ही बात कर लेंगे वैसे तो बहुत बिजी होते हैं लेकिन अगर चांस लगा तो उनसे ही बात कर लेंगे और रोज़ कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो अगर देखते कोई सेलिब्रिटी आए हुए होंगे या और कोई टिकटॉकर वगैरह आए हुए होंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे छोटा सा इंटरव्यू लेंगे चल चलते हैं। हाँ तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ JDC के दस्तरखान पे जो कि नुमाइश पे वाक़ है और यहाँ पे JDC की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी अवामी शहरी जो रोड पे हो रही है वो JDC करा रहा है और वैसे तो बहुत सारी वेलफेयर करा रही है लेकिन JDC की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे रमज़ान में 30 दिन 30 रोज़े लगातार जो है वो रोज़ अलग अलग मेन्यू होता है और अलग अभी जो है अंदर और अभी चेक करते हैं क्या मेन्यू है और अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी स्टार्ट होगा थोड़ी देर में तो कांचन से हाँ तो भाई अभी हम लोग अंदर तो आ चुके हैं लेकिन अभी चलते हैं और मैनेजमेंट से पूछते हैं कि वो हमें और अंदर जाने दें और खाने का शूट करने दें तो चाहे चले चलते हाँ तो भाई अभी जो है हम लोग मैनेजमेंट से जो है इजाज़त लेके जो है हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है पूरा खाने का सेटअप लगा हुआ है जहाँ से खाना निकलता है और आवाम तक जाता है तो यहाँ पे हमने भाई से पूछा तो वो कह रहे हैं यहाँ पे 150 से ज़्यादा अभी देगे रखी है और जितने सारे थाल देख सकते हैं तकरीबन 4000 थाल से ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पे और अभी देखते हैं जब खाना निकलेगा जबकि वीडियो से गए भाई ये जैसे कि देख सकते हैं इनके खाने का इंतजाम और ये देखें ये सारी देखें फुल है बिरयानी बिरयानी से और जो आज का मेन्यू में होगा वो सब देखें 150 से ज़्यादा देखें यहाँ पे रखी हुई है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उस साइड पे थाल रखे हुए हैं और ये पीछे मैनेजमेंट बैठी हुई है इनकी जो खाना वाना निकालती है तो आए देखते जाए और इस साइड पर जो है तकरीबन 2-3 हज़ार थाल रखे हुए हैं इस साइड पर शहरी में कुछ देर बाकी है और यहाँ पे देख सकते हैं सारे डोल आए हुए हैं हाँ तो भाई अभी शहरी का सीन स्टार्ट होने वाला है और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ थाल ही थाल निकल रहे हैं और ये सारी जो भी है आज जो डिशेज जो है वो आ चुकी है यहाँ पे देवों में और ये देखें कितने सारी ये देखें ये जा रहे हैं और अभी ये जो है यहाँ पे थालों में निकल रहा है चले आए हम भी थालों में निकालते हैं हाँ तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे JDC के यहाँ पे घूम रहे थे और इतने में सिद्दीकी बॉस आ गए तो सिद्दीकी बॉस मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ और आप रमज़ानों में मतलब स्टार्टिंग से हम आपके व्लॉग्स देख रहे हैं तो आप रमज़ान में स्टार्टिंग से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है अच्छा सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा मेरा रेस्टोरेंट का काम है ठीक है अब रमज़ानों में क्या होता है रेस्टोरेंट का काम जो है मेरी एक ब्रांच आपसल में एक ब्रांच जो है यूनिवर्सिटी रोड पर अब रेस्टोरेंट का काम रमज़ानों में होता है थोड़ा हल्का इस टाइम को ख़राब करने से बेहतर था लोगों के लिए इस्तेमाल करते और JDC सैलानी TLP जितने भी लोग कराची में काम कर रहे हैं सबको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी शहरी और अफ्तारी होती है तो इसलिए यहाँ जाते हैं और आपको जैसे आप तो यहाँ पे बहुत बार आए हैं तो आपको जैसे मेन्यू कैसा लगा यहाँ पे और खाना वाना कैसा लगा अच्छा देखो जी तुम्हारे घर पर कभी कोई दावत हुई है बस जो दावत का खाना होता है वो यहाँ है JDC जो है वो दावत करती है वो खैरात ज़कात नहीं करती वो किसी को भीख में खाना नहीं देती वो दावत करती है वो कहती है
मोस्ट वेलकम। तो माँ बहनों की दावतें कैसी होती है? बस ये उसी तरह की दावत। हाँ तो सिद्दीक बॉस, आप हमारे चैनल के बारे में बता दें। अच्छा, अनस रजा व्लॉग्स जो है बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, हर जगह आके कवरेज दे रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है इनका काम। आप भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले इनके व्लॉग आपके पास आ जाए। थैंक यू सर। अभी सैरी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ का आप सेटअप देख सकते हैं। ये देखें कितने सारे थाल लाइन से लगे हुए, और यहाँ पे हमारे भाई भी लगा रहे हैं और ज्यादा थाल। देख सकते कितने सारे यहाँ पे थाल लगे हुए। हाँ तो भाई, अभी हमारे साथ जो है वो बहुत फेमस एक्टर कासिम खान मौजूद हैं, जिनके मैं ड्रामे बहुत देखता हूँ और बहुत बार इनको देखा भी है। तो आप ये बताएं कि आपने पहली बार ये मेरे ख्याल से विजिट किया, तो आपको कैसा लगा जेडी से? यार बहुत अच्छा लगा, हमेशा सिर्फ टेलीविज़न पे, सॉरी सोशल मीडिया पे देखा था, फेसबुक पे देखा था, लेकिन कभी ऐसा इतफाक नहीं हुआ था कि मैं इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा मजमा देखूँ जिसको सहरी हो रही है, रफ्तारी हो रही है। तो आज जब भाई ने इन्वाइट किया और मैंने विटनेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और कोई एक रुपया नहीं ले रहा और सब सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और जैसे इतने बड़े क्राउड को संभालना, उसके लिए खाना वाने को जो अरेंज करना होता है बहुत मुश्किल होता है, तो आपने आज का जो खाना है वो मेन्यू आपने खाया होगा, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्दी था, बहुत साफ़ सुथरा था और हाइजीनिक था, और आई थिंक वो सभी खा सकते हैं, बहुत मज़े। और हमारे चैनल के बारे में बता दें कुछ। यार ये लड़का बहुत टैलेंटेड है और उसकी वीडियोस में देखता रहता हूँ, प्लीज डू फॉलो हिम, सब्सक्राइब हिज चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अनस, गुड लक। हाँ तो भाई, लोग जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में एक ऐसा काम कर जाओ अच्छा जो कि हमें सालों साल याद रखें, तो आज है हमारे साथ जफ़र भाई। तो जफ़र भाई, ये पहले तो आपको सलाम है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 10 लाख से ज़ायद लोगों को तहरी और इफ्तार करा दिया। आप लोगों ने कोशिश कर रहे हैं अब तक, मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। और अगर कोई बंदा चाहे जैसे जफ़र अब्बास बनना, या फिर मैं चाहूँ कि मैं आपकी तरह बनूँ, तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अपने ख़ानदान मोहल्ले में देखें, जो परेशान हाल लोग हैं उनके लिए काम करना शुरू करें, अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला जाएगा। और ये बताएं कि बहुत से लोगों का, जैसे बहुत से लोग चाहते हैं बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूँ, पायलट बनूँ, या फिर वो है प्रोफेशन, लेकिन आपने कब रियलाइज़ किया कि आप जो है एक सोशल वर्कर बनेंगे और फलाही काम करेंगे? नहीं, मैं कंपनियों में सेल्स मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर ये सब रह चुका हूँ, मेरा अपनी ट्रैवल एजेंसी भी है, और मैं काम सारे कर रहा हूँ, लेकिन सोशल वर्कर पैदाइशी सोशल वर्कर होता है, वो बचपन से ही सोशल वर्कर होता है, उसको बनना नहीं पड़ता, वो होता ही सोशल वर्कर है। और ना जैसे मतलब बहुत से लोग कितने निशाना बनाते हैं उनको, कितने रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना बना सकते हैं बना लें। और ये आज के जो है वो भी बता दें मेन्यू में आज क्या था? आज चाइनीज़ डिश थी, और कल जो होगा वो सालिम मंदी होगी, चिकन की सालिम मंदी होगी। और हमारे चैनल के बारे में बता दें, अनस रजा व्लॉग भाई, अनस रजा व्लॉग को जो सब्सक्राइब भी करें, और क्या बोलना होता है, सब्सक्राइब करें यार, थैंक यू। हाँ तो भाई, अभी हम लोग जेडीसी आए थे और आज हम लोगों ने जेडीसी का विज़िट किया, जफ़र भाई से भी बात की और सिद्दीकी बॉस भी आए थे उनसे भी बात की, तो मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन था, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं था कि 20,000-30,000 लोग, कितने बड़े एरिया चाहिए होता है उनको बैठने के लिए, बट यहाँ से लेके वो पूरा वहाँ तक, और वहाँ से लेके वो कट होके वो पूरा अंदर तक वो जा रहा है। और फिर मुझे आज पता चला इतने लोग आए यहाँ पर, और मैंने पहली बार विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं।
हाँ तो भाई JDC की तरफ से जो है हम लोग वीडियो बना के आ चुके हैं, और ज़फ़र भाई जो थे वो बहुत बिजी थे, और मतलब फिर भी उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें छोटा सा इंटरव्यू दिया। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज जो है हम लोग दो सेलिब्रिटी से मिलेंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।